doesn't know what to do. तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जब चीते के हत्थे एक हिरण का छोटा सा बच्चा चढ़ जाता है और उसके बाद क्या वो अपनी जान बचा पाएगा हिरण का बच्चा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में यहाँ पर एक चीता है, उसके हाथों एक छोटा सा हिरण का बच्चा लग गया। हिरण का बच्चा काफ़ी छोटा है, दो तीन दिन का ही लग रहा है देखने में। और चीते को देख सकते हो उसको आज एक आसान शिकार मिल गया है, वो आसानी से इस बच्चे को मार के खा सकता है। वो बच्चा इतना कमज़ोर है कि वो दौड़ भी नहीं पा रहा। देख सकते हैं आप किस तरह चीता उसके साथ खेल रहा है, उसके मजे ले रही है। आज वो अपने आप को बहुत ही लकी समझ रही होगा जो उसको इतना आसान शिकार मिल गया। और चीते का और हिरण का बच्चा जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा। लगता है उसकी माँ उससे बिछड़ गई है, जिस वजह से वो आज इस हालातों में फंस गया है कि उसको बचाने वाला कोई भी नहीं बचा है। उसकी मौत लगभग निश्चित लग रही है, लेकिन चीता भी देख सकता है पूरा इंजॉय कर रही है इस मोमेंट का, पूरा आराम से उसके मज़े ले रही है ताकि बच्चे को भी आखिरी टाइम पर कुछ मज़ा आ सके। और वो देख सकते हैं आप जैसे कि वो एकदम झपट के हमला नहीं कर रही, एकदम भूख नहीं मिटाना चाहते, एकदम वो देख लिया मज़े ले लिया हिरण के बच्चे के, छोटे से बच्चे के उसके साथ खेल लिया। अब देख सकते हैं किस तरह से वो खेल लिया। और हिरण का बच्चा भी अब देख सकते हैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा है बचने की, लेकिन वो इतना छोटा और इतना नाजुक है कि वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। देख सकते हैं आप किस तरीके से चीता किसी और जानवर पर भी नज़र घुमाता हुआ यहाँ पर, और हिरण का बच्चा इतना छोटा भाग भी नहीं पा रहा, वो वहीं बैठा हुआ है। अब देख सकते हैं कितना छोटा बच्चा है, बिल्कुल बकरी के बच्चे की तरह हो रहा है। वो दो तीन दिन का ही होएगा, वो कम से कम देख सकते हैं आप वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रही आएगा, लेकिन वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है बचने की, लेकिन आज उसकी मौत लगभग निश्चित हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं हिरण का छोटा सा बच्चा एक चीते के हाथ लगा हुआ है। आज देख सकते हैं जैसे कि आप चीता भी पूरे मज़े लेता हुआ हिरण को, और देख सकते हैं हिरण का बच्चा चीते पर हमला करने की कोशिश कर रही है। वो अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहता है वो, और चीता भी उसके साथ आराम आराम से खेलता है। देख सकते हैं बच्चे ने भागने की कोशिश कर रही है आप चीते से बच के, लेकिन वो इतना छोटा है कि भाग नहीं सकता। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, उससे तो इससे तेज कोई और जानवर नहीं दौड़ सकता। और हिरण भी काफ़ी तेज़ दौड़ता है, लेकिन ये बच्चा इतना छोटा है कि चीते को हरा नहीं सकता इस मुकाबले में, इसलिए आज वो बहुत ही मुश्किलों में फंसा हुआ है। उसकी जगह कोई थोड़ा बड़ा जानवर होता तो शायद वो भाग भी सकता था, लेकिन ये इतना छोटा है कि भाग नहीं सकता। और देख सकते हैं आप वो अपनी कोशिश कर रहा है, मगर पूरी लड़ने की कोशिश कर रही है, भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज वो बेबस हो चुका है, कुछ कर नहीं पा रहा है, कोशिश ही कर पा रहा है, एक नाकाम कोशिश कर रही है वो। देख सकते हैं और चीता भी उसके साथ मज़े ले रही है, खेल रहा है उसके साथ। देख सकते हैं वो किस तरह चक्के में लात मारने की कोशिश, और चीता भी उसके साथ अपने बच्चे की तरह खेल रहा है, लेकिन ये कुछ ही पल की खुशी है, बाकी उसके बाद तो उसको पेट में ही जाना है। देख सकते हैं किस तरीके से हिरण का बच्चा भागने की कोशिश कर रहा है, और चीते ने फिर उस पर हमला किया, एक धीरे से हल्का सा हमला किया, गिरा दिया उसको वो बार बार गिरा रही है। देख सकते हैं कितने मज़े ले रही है, वो भी पूरे मज़े ले रही है हिरण के बच्चे को। लगता है वो चाहता है कि बेचारा बच्चा मरते टाइम कुछ ज़िंदगी में कुछ खुशी के पल लेकर जाए, लेकिन वो पल हिरण के बच्चे के लिए खौफनाक हो रहे हैं। देख सकते हैं वो भागने की कोशिश करता है, हिरण ये चीता पीछे आता है तो वापस लड़ने की भी कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं इतना सा छोटा बच्चा लड़ने की कोशिश कर रहा है चीते से वो भी, लेकिन देख सकते हैं अब उसके सर पे शायद चोट लगी हुई है हिरण के बच्चे पे। देख सकते हैं अब चीता उसको चाट रही है, जैसे हिरण के बच्चे की माँ उसको चाटती है वहीं से चीता भी उसे चाट रही है, लेकिन ये चाटना कुछ और ही इशारा देता है। देख सकते हैं बेचारा वो भाग वहीं पर खड़ा हुआ है, उससे कुछ होने भागने की कोशिश करता है तो चीता उस पर वापस पकड़ लेता है उसे, और चीता भी पूरी चारों तरफ नज़र दौड़ा है
ताकि कोई और उसका शिकार छीनने ना आ जाए, और वह पल को थोड़ा खेल के गुजारने जाता है। चीता भी काफ़ी लगता थका हुआ है वो मेंटली, वो देख सकते हो आखिरकार उसने थोड़ा सा हमला किया इसको मारने की कोशिश, लेकिन वो फिर रुक गया और इलाके का जायजा लेने लगा। और हिरन के बच्चे को दूर नहीं जाने दे रही अपने से, और हिरन का बच्चे को आखिरकार आप देख सकते हो उसने उसके गला दबाई दिया, और इसी के साथ हिरन के छोटे से बच्चे की ज़िंदगी का अंत होता हुआ। और अब वो लगता ले जाकर पेड़ पे ले जाकर खाने की कोशिश करेगा। देख सकते हैं अब अभी भी बच्चा फड़फड़ा रहा है, लेकिन ये बस बुझता हुआ दिया है, जैसे कि दिया बुझने से पहले खूब फड़फड़ाता है ऐसे ही बच्चा भी फड़फड़ा रहा है बस। और चीते ने उसको मुंह में दबा के ले जाता हुआ अपने घर की तरफ। और देख सकते हैं कितना मासूम और छोटा सा बच्चा था वो, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। शायद उसकी माँ का भी किसी दूसरे जानवर ने शिकार कर लिया होगा, इसीलिए वो बच्चा अकेला रह गया जो आज चीते के हाथों लग गया। वरना हिरन अपने बच्चे को छोड़ कर कभी नहीं भागते। देख सकते हैं उसने एक कोने बीच मैदान में ले जाके पेट का उसे खाने की कोशिश कर लिया। अब वो हिरन के छोटे से बच्चे को खाने की कोशिश करके खाना शुरू कर दिया, कहना चाहिए ये तो। देख सकते हैं हिरन, देख सकते हैं जैसे कि अब चीता भी काफ़ी थक चुका है, थपा रही है, कितनी ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही है, और यहाँ पर उसने स्टार्ट कर दिया हिरन के बच्चे को खाना। काफ़ी दिल दहलाने वाले मोमेंट हैं ये, मगर ये जंगल का कानून ही है, होता जंगल में यही होता था, अगर वो उसको मारता नहीं तो खुद मर जाता, इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए एक छोटे से बच्चे को मार के आज खाना पड़ेगा उसे भी। शायद वो भी बड़े तलाश में था बड़े जानवर की, लेकिन वो इतना छोटा मिला कि वो, इसीलिए उसने थोड़ा सा उसके साथ खेल लिया, टाइम पास करा उसके साथ, और उसके बाद उसका ज़िंदगी ले ली, और उसके पोस्ट से आज अपना पेट भरता हुआ। और वो बीच बीच पूरे इलाके पर नज़र भी रखा था कि कोई दूसरा और जानवर शेर या फिर हाइना वगैरह ना आ जाए जो उसका इस छोटे से शिकार को भी छीन ले। और उसने अपना खाना स्टार्ट कर दिया, और इसी के साथ आपसे हम कहेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा, हिरन का बच्चा काफ़ी छोटा था, नाजुक था, वो बेचारा दौड़ भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपनी जान नहीं बचा पाया। और पहले तो चीते ने उसके साथ खूब मस्ती की, खेला, उसके बाद उसे खा लिया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।